श्री राम जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आपके अंगूठे में छिपा है आपके धनवान होने का राज? आपके अंगूठे का अर्धचंद्र देता है आपको धनवान होने का संकेत। अर्धचंद्र एक खास निशान है, इसमें बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं, बहुत सारे संकेत देता है ये अर्धचंद्र। लेकिन क्या संकेत देता है ये अर्धचंद्र, और इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वे लोग भाग्यशाली होते हैं जिनके अंगूठे पर ऐसा अर्धचंद्र होता है। अर्धचंद्र कई प्रकार से बनता है, किसी किसी के हाथ में बहुत कम दिखाई देता है तो किसी किसी के हाथ में बहुत गहरा दिखाई देता है, और किसी किसी के हाथ में तो होता ही नहीं है। हो सकता है शायद आपके हाथ में हो, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, और ये आपके लिए कितना फलदायी है, आपके लिए या फिर आपके लिए नुकसानदायी है, या ग्रहों का प्रकोप है आपके ऊपर, या जिन व्यक्तियों के अंगूठे पर ऐसा निशान होता है, क्या वे व्यक्ति स्पेशल होते हैं? दोस्तों, हमारी कुंडली में कुछ गढ़ भी होते हैं, जिस प्रकार राक्षस गढ़, देवगढ़, मनुष्य गढ़, तो इस अर्धचंद्र बने अंगूठे वाले व्यक्ति किस गढ़ के माने जाते हैं या कौन सा गढ़ उनमें होता है? दोस्तों, शास्त्र के अनुसार इस प्रकार के अंगूठे पर बने अर्धचंद्र आकृति वाले व्यक्ति देवगढ़ में आते हैं, या ये देवगढ़ वाले अधिकतर व्यक्ति होते हैं जिनके हाथ के अंगूठे में अर्धचंद्र आकृति बनी हुई होती है। तो एक शोध के अनुसार पता लगाया गया है कि इस निशान वाले व्यक्तियों में देवगढ़ के साथ साथ दैवीय गुण भी विद्यमान होते हैं। दोस्तों, ये गुण कुछ एक आध व्यक्ति में ही होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की अपनी एक अलग पहचान होती है, ये अपने आप में बड़े ही खास होते हैं। ऐसे लोगों में कुछ नया करने, सोचने समझने की जो समझ विकसित होती है वो स्पेशल होती है, और ये कितनी स्पेशल होती है क्योंकि उस व्यक्ति के हाव भाव देखकर ही उसके नजरिए का पता लगाया जाता है। ऐसे लोग वाणी के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेते हैं और अपने लक्ष्य से भटकते भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि तीव्र होती है, ये इनके सोचने समझने की शक्ति या फिर हाव भाव ही कुछ ऐसे होते हैं जिनसे ये बोलते हैं तो वो ये करके दिखा देते हैं। ये जो बोलते हैं वो होकर ही रहता है। अधिकतर ऐसे व्यक्ति सिर्फ अपने ही मन की सुनते हैं। इसके साथ साथ ये एक जिम्मेदार नागरिक भी होते हैं, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ ये अपने ऊपर नहीं डालते। इसके साथ साथ अपने मुकाम को भी बहुत जल्द हासिल कर लेते हैं। ये उच्च पद पे होते हैं, चाहे फिर वो गवर्नमेंट जॉब हो, यानी कि ये अच्छे पद पर होते हैं। आपके हाथ के अंगूठे के नाखून पर भी यदि ऐसा अर्धचंद्र बना है तो आप इस जगह पे थोड़ी सी हल्दी जरूर लगाएं। शुक्रवार के दिन इस हल्दी को लगाना है। अगर आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करते हैं तो ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संकट आने की संभावना बहुत कम होती है या नहीं के बराबर मानी जाती है। ये अपने जीवन में अच्छा खासा धन कमा लेते हैं। ऐसे लोग हर क्षेत्र में अपना नाम कमाते हैं, फिर चाहे किसी भी फील्ड में जाना पड़े, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर या फिर व्यापार, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। ऐसे व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं, इनके अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की अलग ही चाहत होती है, और ये जीत हासिल करके ही मानते हैं क्योंकि इनके अंदर जीत कूट कूट कर भरी होती है। साथ ही दोस्तों, ये बहुत ही मेहनती होते हैं और अपनी लगन से अपने सपने को पूरा करने में सक्षम हो जाते हैं। यही कारण है कि ये अपने मुकाम को हासिल कर लेते हैं और बहुत जल्द ही सफल हो जाते हैं। यह बचपन से ही मेहनती और परिश्रमी होते हैं। इसके साथ साथ कर्मठ और ईमानदार भी होते हैं। इतना ही नहीं, इनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। इन्हें अपने जीवन में कोई बीमारी नहीं घेरती। अंगूठे पर अर्धचंद्र जितना ज्यादा गहरा नजर आता है उतने ही अच्छे संकेत देता है। इनका लाइफ पार्टनर भी हर कार्य में इनका पूरा सहयोग करता है, चाहे फिर ये निशान किसी पुरुष के हाथ में हो या फिर महिला के। अगर ये निशान किसी पुरुष के हाथ में है तो उसकी वाइफ एक अच्छे और खानदानी परिवार से होती है, समझदार और सहनशील होती है, हर कार्य में अपने पति का सहयोग करती है, पारिवारिक गतिविधियों पर निभाने में अग्रसर होती है, ग्रह कलेश नहीं होता है इनमें, और धैर्यवान होती हैं। इनको अपने जीवन में सफलता बहुत जल्द ही मिल जाती है, कुछ एक को छोड़कर। अगर नहीं भी मिलती है तो भी ये हार नहीं मानते हैं और पूरी लगन के साथ अपने मुकाम को हासिल करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं, चाहे देर से ही सही पर ये सफल अवश्य होते हैं।
इसी गुणों के कारण ये अपनी जीवन में प्रसिद्धि पाते हैं। ये निशान बहुत ज्यादा जगह घेरता हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। अगर किसी के अंगूठे पर ये निशान है तो साफ और स्पष्ट दिखाई देना बहुत जरूरी है। जरूरत नहीं है कि ये ज्यादा जगह घेरे, यानी कि आधे अंगूठे के बराबर जगह घेरता हो। ऐसा निशान बहुत अच्छे फल नहीं देता है, यानी सफलता मिलती है लेकिन देर से मिलती है। फिर बहुत मेहनत करने के बाद, अपनी उम्र का काफी पड़ा निकलने के बाद उनको सफलता मिलती है। ऐसे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों के अंगूठे में भी ये निशान है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हमने जो भी उपाय इस अंगूठे के निशान से जुड़ा हुआ बताया है, उस उपाय को एक बार करके अवश्य देखिए, आपको निश्चित ही उसका लाभ होगा। दोस्तों, आज की जो जानकारी हमने आप लोगों के साथ शेयर की है, उम्मीद करते हैं ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें और नीचे कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। मैं मिलती हूँ आपको ऐसी प्यारी और एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।